नागपुर के संविधान चौक पर सारथी टसबारा नागपुर के युवा के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। इस युवा ने निराशाजनक और नेत्रहीन घटना को हतोत्साहित करने में अपनी जान गंवा दी, जो पुणे में एक पार्टी में हुई थी। Justice, we want 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 justice. के लिए प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए, होना चाहिए। LGBT समुदाय के लिए प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए, होना चाहिए। LGBT समुदाय के लिए प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए, होना चाहिए। मारा पीटी बंद करो, बंद करो, मारा पीटी बंद करो, बंद करो। ये शोक सभा आयोजित करने का उद्देश्य है कि हमारे समाज में यौन अल्पसंख्यक अभी भी एक वर्जित है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार नहीं होते हैं। यौन अल्पसंख्यकों के बारे में बात करें तो सामाजिक के सभी क्षेत्र में समानता हासिल करने की दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का उद्देश्य सारथी ट्रस्ट ने बताया। LGBTQ समुदाय को दृश्यमान और मुखर बनाने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि लोग ये जानें कि LGBTQ लोग हर जगह मौजूद हैं और उन्हें किसी इंसान से कम समझना सही नहीं है, क्योंकि उनका यौन रुझान बाकी लोगों से अलग है। इसलिए सारथी ट्रस्ट द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया और इस वक्त जस्टिस के लिए मांग की गई। हमारे कम्युनिटी के साथ, LGBT कम्युनिटी के साथ आज से ही अत्याचार हो रहा है। कई सालों से हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जंग आधी जीती, आधी भी नहीं जीती, कई परसेंट से भी नहीं जीती है। गवर्नमेंट सरकार ने हमें एक तीसरा दर्जा दिया, हमारे लिए लॉ बनाए गए, पर वो कहीं पे सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है। कारण आज भी पुलिस हमारा सपोर्ट नहीं करती है, सरकार सपोर्ट नहीं करती है, अपना कोर्ट भी सपोर्ट नहीं करता है और इवन फ्रेंड्स भी हमें सपोर्ट नहीं करते, समाज हम अपने को सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे लिए जो लॉ बने उस पर अमलबाजी होनी चाहिए पहली बात। कारण कहते हैं कि अखबार में दिया गया सिर्फ जाहिरात या उसको बोलते आर्टिकल दिया गया और वो हमारे कम्युनिटी तक पहुँचा नहीं गया, तो तब तक उसके लिए हम सरकार को और जो हमारे बीच के गवर्नमेंट है और हमारे कोर्ट्स है, हमारे कानून प्रशासन है, इसके लिए जिम्मेदार है कि कारण उनको कम्युनिटी तक का ये जाहिरात, उनके राइट्स उनको मिलने चाहिए, ये उनको देना चाहिए पहली बात। और ये आज अभय के साथ हुआ है, ये बहुत गंभीर विषय है कि आज उसके साथ हुआ है। ऐसे तो कहीं बहुत सारे केसेस है कि हम उजागर भी नहीं कर सकते, कारण ये तो शहर की बात है कि शहर में हो रहा है। अगर हम ग्रामीण में जाए तो ग्रामीण में भी ऐसा होता है, पर वो सामने नहीं आ पाते, तो उनके साथ क्या नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए जल्द से जल्द अभय को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस प्रशासन ने और कोर्ट ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। VKB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बुकड़ी के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।